Good morning, student. I hope you all are fine and doing good. So take out your English reader book, unit 2. School is fun. Okay. Page number 18. School is fun. Going to school is so much fun. There are many interesting things to do there. School is a place where we learn new things and make many friends. ठीक है, तो स्कूल इज फन, स्कूल मस्ती है. ठीक है, गोइंग टू स्कूल इज सो मच फन, स्कूल जाना एक बहुत फन की बात है, मस्ती की बात है. देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू देयर, और स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग करते हैं. स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स एंड मेक मेनी फ्रेंड्स, और स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग नए नए चीज को सीखते हैं. ठीक है, और बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाते हैं. ओके, अ फन डे एट स्कूल, गेटिंग स्टार्टेड. ठीक है, तो ये चैप्टर का जो रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसको देखेंगे. लुक एट द पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक दिस चिल्ड्रेन आर डूइंग, व्हाट डू यू डू इन योर आर्ट क्लास, टॉक अबाउट इट. तो ये पिक्चर को आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ये पिक्चर को देख रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यही है हम लोग का चैप्टर का जो हम लोग को पढ़ना है जिस चीज के बारे में. तो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 21. ओके, टेक आउट पेज नंबर 21. रीडिंग, रीड अबाउट अ फन डे एट मीता स्कूल. तो हम लोग फन डे के बारे में पढ़ेंगे मीता स्कूल में. ठीक है, टीचर, हेलो चिल्ड्रेन, टुडे लेट अस लर्न द हैंड प्रिंट आर्ट. तो टीचर जो है वो बच्चों को बोलती है कि बच्चों चलो आज हम लोग हैंड प्रिंट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो हैंड प्रिंट आर्ट क्या होता है, अ मार्क मेड विद द हैंड, ये एक मार्क है जिसको हम लोग हाथ से बनाते हैं. ओके, स्टूडेंट, वाओ आर्ट इज सो मच फन. बच्चे बोलते हैं वाओ आर्ट बहुत मस्ती होगा, सो मच फन. टीचर, यस वी नीड वाटर कलर्स एंड ड्राइंग शीट, डीप योर पाम इन अ वाटर कलर. तो टीचर बोलती है कि इसके लिए हम लोग को वाटर कलर चाहिए और ड्राइंग शीट चाहिए, और हम लोग को क्या करना है, आपके पाम को वाटर कलर में डिप करना है. ठीक है, बिनय, व्हाट डू वी डू नाउ, फिर हम लोग क्या करेंगे मैम, अपने पाम को वाटर कलर में डिप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे. तो मैम बोलती है, स्टूडेंट नाउ जेंटली प्रेस योर कलर्ड हैंड ऑन योर ड्राइंग शीट. तो मैम बोलती है कि आपको जेंटली एकदम सॉफ्टली अच्छे से अपने जो कलर पाम को क्या करना है, ऐसे शीट में प्रेस करना है. ठीक है, मीता, वाओ दिस लुक सो ब्यूटीफुल. मीता बोलती वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है. टीचर, नाउ यूज योर कलर पेन्स एंड क्रेयॉन्स टू क्रिएट एन एनिमल यू लाइक. उसके बाद क्या करना है, हम लोग को अपने पाम को वाटर कलर में डिप करके शीट में ऐसे प्रेस करना है, फिर वो पाम का मार्क बन जाएगा, उसके बाद में पेन या क्रेयॉन्स का हेल्प लेके यहाँ पे कोई भी एनिमल्स जो आपको पसंद है वो बनाना है. ओके, आप लोग यहाँ तक समझ गए. नाउ टर्न योर पेज नंबर 22. जैसे कि आप लोग ये पिक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर बने गए हैं. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे. मैडम दिस इज माय पीकॉक, इट इज ब्लू, इट हैज ग्रीन फेदर्स. ये विनय है, ये बोल रहा है कि मैम ये मेरा पीकॉक है जो ब्लू कलर का है और इसके ग्रीन फेदर्स है. ठीक है, विनय आई लाइक योर पीकॉक. मैम बोलती विनय मुझे आपका पीकॉक अच्छा लगा. अब रियान बोलता है दिस इज माई ब्राउन स्पाइडर, इट हैज 8 legs. ये बोलता है कि ये मेरा स्पाइडर है जिसके 8 legs है. ओके, लुक मिस दिस इज माई ऑरेंज फेस, आई विल ड्रॉ ब्लू वेव्स अराउंड इट.
ये सैम बोलता है कि लुक मिस, दिस इज माई ऑरेंज फिश, आई विल ड्रॉ ब्लू वेव्स अराउंड इट। ये बोलता है कि मिस देखिए, ये मेरा ऑरेंज फिश है, मैं यहाँ पे ब्लू वेव्स बनाऊंगा। ठीक है, अब मीता बोलती, मिस दिस इज अ क्रैब, इट इज रेड, इट हैज ब्लैक आई। अब मीता बोलती, मैम दिस इज माई क्रैब, इट इज रेड एंड इट हैज ब्लैक आई। मैम ये मेरा क्रैब है जो रेड कलर का है और इसके ब्लैक आईज है। तो मैम बोलती, वाओ दीज हैंड प्रिंट्स आर ब्यूटिफुल, ऑल एनिमल्स लुक रियल। तो मैम बोलती, वाओ ये सारा जो हैंड प्रिंट्स आर्ट है ये बहुत रियल और बहुत ब्यूटीफुल है। मीता एंड द फ्रेंड्स हैड ग्रेट फन वाइल लर्निंग हैंड प्रिंट आर्ट। तो मीता और जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं वो लोग का बहुत अच्छा टाइम स्पेंट हुआ ये लर्निंग हैंड प्रिंट आर्ट में। ठीक है, ये लोग बहुत अच्छा, इन लोग का टाइम पास हो गया, अच्छा से लोग स्पेंड किए, ये लोग लर्न किए हैंड प्रिंट आर्ट को, बहुत फन हुआ। ठीक है, इसलिए कहा गया स्कूल इज फन। आप लोग को ये स्टोरी समझ में आ गया होगा, ये रीडिंग सेक्शन बहुत ही अच्छा है, आप लोग जरूर से इस स्टोरी को पढ़िएगा, 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो टीचर जो है वो बच्चों को बोलती है कि हम लोग हैंड प्रिंट आर्ट सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि नया चीज़ वो लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत मस्ती होगा। तो टीचर बोलती है कि इसके लिए हम लोग को वाटर कलर चाहिए, शीट चाहिए जिसमें हम लोग को वाटर कलर में पाम डिप करना है और उसको प्रेस करना है, शीट में प्रेस करना है, और उसके बाद में क्रेयॉन्स और पेन के हेल्प से हम लोग को कोई एनिमल जो हम लोग को पसंद है वो बनाना है। समझ गए? उसके बाद जैसे आप यहाँ देख रहे, हर बच्चे अपने अपने हैंड प्रिंट आर्ट बनाते हैं, तो ये मैम को बहुत अच्छा लगता है, बोलती है ये सब रियल के जैसे लग रहा है, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ये हैंड प्रिंट आर्ट बनाने में, इसीलिए बोला गया है स्कूल इज ए फन। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, मैंने इसको आपको पढ़ा के समझा भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप लोग ये जरूर से जरूर ये Unit 2 स्कूल इज फन एट फन डे अ फन डे एट स्कूल जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टोरी को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ, और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग बुक सामने रखेंगे, और जैसे जैसे पढ़ा जा रहा है आप ध्यान देंगे, एक एक वर्ड और लाइन पे ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझ रहे हैं, सब चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और बुक रीडिंग बहुत ही जरूरी है, रीडिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोग बुक रीडिंग भी जरूर से जरूर कीजिएगा, 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, और इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ओके देन, थैंक यू।